स्टार्टिंग में तो हमको थोड़ा सा रिस्पांस कम रहा, कभी 15-20 कचौरी बिकती, कभी कितनी, धीरे धीरे कस्टमरों को स्वाद लगने लगा तो बढ़ते गए, उसके बाद इसको बढ़ते गया, मगर लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, फिर व्यवस्थित हो रहा। अपने गुरुद्वारे के पास में हमारी चाय कॉफ़ी की दुकान है, वो संचालित करता हूँ 9 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद हमारी श्रीमती जी आती है, वो उधर का संभालती है, मैं खाना खा करके फिर इधर आ करके इधर संचालित है। मतलब जिनको बिल्कुल सादगी वाली कचौरी खानी है उनके लिए बहुत बढ़िया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों प्रीकैप में आपने देखा ही होगा कि महेश अंकल जी हैं जो कि दोस्तों आलू की कचौरी देते हैं खादी वाला टैंक पर, और 10 रुपए की आलू की कचौरी खिला रहे हैं अंकल जी। मतलब इनको 10 से 12 साल हो गए हैं, पहले इनकी किराना की शॉप थी बट अब इन्होंने अपना खुद का ही काम चालू किया है और उसको भी करते करते इनको 10-12 साल हो गए। आंटी और अंकल दोनों ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और अंकल जी साइकिल पर सामान लेकर आते हैं कचौरी का और फिर स्टॉल पर आकर कचौरी बनाते हैं। काफी अच्छी और टेस्टी कचौरी खिला रहे हैं इंदौर वालों को। इनकी पूरी कहानी दोस्तों दिखाते हैं आपको, तो फटाफट से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम महेश अग्रवाल है, मैं खाचवाला टैंक इंदौर में फेमस आलू की कचौरी के नाम से ठेला लगाता हूँ। यहाँ 10-12 साल हो चुके हैं और मेरी कहानी ऐसी है कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। पहले किराना दुकान चलाता था, वहाँ से भाई बंधुओं ने अलग कर दिया, यहाँ आया, यहाँ आकर संघर्ष करके नौकरी भी करी है, उसके बाद फिर स्कूल का संचालन किया। लॉकडाउन के बाद वो बंद करने के बाद मैंने फिर इसका निर्णय लिया, मैंने कहा एक चीज़ अलग हटके कोई अलग टेस्ट अलग इंदौरी स्वाद में पेश किया जाए, उसके लिए मैंने प्रयास किया। इसका दिमाग में ऐसा आया, एक दो बार बाज़ार में खाई थी कचौरी आलू की रामबाग वगैरह में, तो उनका मेरे को कुछ टेस्ट अलग लगा, उनकी मिर्ची का स्वाद अलग लगा, मैंने कहा उनसे अलग हट करके थोड़ा सा टेस्ट अलग अच्छा टेस्ट दिया जाए, उसका प्रयास मेरा रहा। और मेरे को मेरे बचपन में मेरे एक मित्र जी थे, उनका जो ज्ञान था उसके आधार पर मैंने ये प्रयास किया, तो मेरे को उनके बड़ों के ज्ञान के अपन आधार पर चलते हैं तो उसमें सफलता अपने को मिलती है। ये अपना ऑटोमेटिकली अपने अभी करते करते एक्सपीरियंस हो गया है। आकर के आगे अपने गुरुद्वारे के पास में हमारी चाय कॉफ़ी की दुकान है, वो संचालित करता हूँ 9 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद हमारी श्रीमती जी आती है, वो उधर का संभालती है, मैं खाना खा करके। काका मतलब इधर ही तुरंत गर्मा गर्म बनाते हैं कचौरी, है ना? और कितनी बार बनाते हैं? एक बार के कंटिन्यू चलती रहती है? कंटिन्यूशन चलती रहती है। अच्छा, कोई कस्टमर आया था तो उस क्वान्टिटी के हिसाब से बढ़ा के डाल देते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर गर्मा गर्म मिलती रहेगी, गर्मा गर्म अपने कस्टमर के हिसाब से बनाते रहते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग है। घर से मैं सब्जी मंडी जाता हूँ, सब्जी आलू प्याज वगैरह मिर्च वगैरह धनिया सब लेके आता हूँ, उसके बाद आलू उबाल करता हूँ, मसाला बनाता हूँ, फिर उसके बाद साइकिल पर लेकर के अपने यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ दुकानदारी चालू करता हूँ। उसमें 1.5 घंटा लगता है, मैदा लगाना, मसाला बनाना और उसके बाद भर के तलना। आलू हम अच्छा ज्योति आलू वगैरह के आता है, वो बढ़िया एक अच्छा रहता है आलू। अच्छा, इसमें ये मिर्ची का, हाँ मिर्ची का मसाला रहता है ना? मिर्ची का मसाला रहता है, उसको गुजराती में इसको ठेचा बोलते हैं। ठेचा बोलते हैं? ठेचा, और महाराष्ट्र में भी ठेचा बोलते हैं। दोस्तों इनकी काका की मैं एड्रेस लोकेशन आपको बता देता हूँ, ये पीछे खाती वाले टैंक में आप आएंगे सिंधी कॉलोनी, वो पीछे दसमुख द्वार दिखेगा आपको, गेट से सीधे अंदर आना है, ये पीछे महाकाल चौराहा है, महाकाल चौराहे के ठीक बगल में ये काका आपको दिख जाएंगे। तो इनका टाइमिंग है 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी में मालवी आलू ज़रा मीठा आता है इसलिए वो नहीं वहाँ पड़ता है, ज्योति आलू अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है उसका, स्वाद भी अच्छा वहाँ पड़ता है। तेल हम ओसवाल का वहाँ करते हैं, सोयाबीन फिल्टर। स्टार्टिंग में तो हमको थोड़ा सा रिस्पांस कम रहा, कभी 15-20 कचौरी बिकती, कभी कितनी, धीरे धीरे कस्टमरों को स्वाद लगने लगा तो बढ़ते गए, उसके बाद इसको बढ़ते गया, मगर लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, फिर
व्यवस्थित हो रहा है। इनके खजूर का टेस्ट बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके पास ओल्ड स्टॉक नहीं होता। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी विशेषता तेल भी नया और माल भी नया, रोज नया रोज नया। अच्छा, तो बड़े बड़े दुकानदारों पे तो पुराना माल वापर लेते हैं, ताजा बनाते हैं। ये रोज ताजा। और फिर दूसरा क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी भावना और मन अच्छा शुद्ध है तो खाने से विचार भी अच्छे आते हैं, जबकि होटल वाला सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, जबकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, शुद्धता और पैसा दोनों इसके, इसलिए बहुत संत आदमी है, है ना। नमस्कार साहब, सब प्रेम से जुड़े हुए हैं, मतलब है सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ जुड़े हैं, इनके हमारे पास बड़ी अनुभव, ये इष्ट देव स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं, क्या गुजरात के फेमस भगवान। पहली बार जो कस्टमर खा के जाता है उसको यदि अच्छा लगता है तो दूसरे को चार ग्राहक और वो बोलता है कि नहीं, हम वहाँ से ही लेके आएंगे, वहाँ से ही खाएंगे। हमारे दो कुछ कस्टमर जो है सिलिकॉन सिटी वगैरह की तरफ चले गए, वो भी जब भी आते हैं इधर तो खा के भी जाते हैं, पैकिंग भी करवाते हैं। हमारी कोशिश यही थी कि हम कोई अच्छी जगह लें, मगर पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश की वजह से हमने छोटी सी जगह में बिना खर्चे के उसमें चालू करा है। इसमें भगवान की दया से अच्छी सफलता मिली है और आप लोगों के आशीर्वाद से बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा है और उनको घर परिवार भी अच्छा मिल गया। मैं नवयुवकों को ये संदेश दूंगा कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप छुपाए नहीं, आप हिम्मत करके छोटे रूप में आपकी जो स्थिति है उसी रूप में आप उसको स्वीकार करके और आप पैदल साइकिल पर जो भी आपकी स्थिति हो उसी स्थिति में आप उसको शुरू करके आप बढ़ेंगे तो आगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी, प्रयास करने पे ही सफलता मिलती है। दादा ये मीठी चटनी है इमली की, हाँ नहीं और हाँ, और ये लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्ची, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्ची, और ये मीठी है, ये मीठी है ना। मेरा उन लोगों से निवेदन है जिन लोगों तक ये कचौरी नहीं पहुँची है वो आकर के एक बार मेरे को सेवा का मौका दें और टेस्ट करें और मेरे में जो कुछ कमी हो उसको दूर करने का सजेशन दें। 10-15 निकलती रहती हैं गर्मा गर्म, डिमांड के हिसाब से बड़ा कम डाल। अच्छा, डिमांड बढ़ जाती है तो बड़ा डाल, तो शाम को एकदम थोड़ी रहती होगी। हाँ, शाम को अभी क्या संडे भी है, हाँ तो 5-6 बजे बाद फिर ग्राहक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हरी मिर्ची दोनों, मिर्ची भी छोटू, कैसे लगता है इनका टेस्ट? काफ़ी सही है एक्चुअली, ये काफ़ी कोई भी फैंसी फ्लेवर नहीं है इसमें। अच्छा, बहुत प्लेन है इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और रेगुलर खाते ही रहते हो? रेगुलर में आता ही रहता हूँ यहीं पे कोचिंग में, इसलिए अच्छा मोस्टली शाम को ही आता हूँ इसी टाइम। बढ़िया लगती है? हाँ, काफ़ी अच्छी लगती है। कग कितने टाइम तक लगाते हैं अपन रात में? वैसे मैं पहले 9-9:15 तक लगाता था, मगर अब कुछ शारीरिक समस्या की वजह से 8-8:15 तक बैठता हूँ, मगर फिर भी कोई किसी का ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, तो हम उसको थोड़ा लेट हो जाते हैं कर लेते हैं। दूसरे लॉट की तैयारी है? मतलब करते रहते हैं आधी आधी घंटे में गर्म का गर्मा गर्म। तो अभी क्या संडे भी है आज, कंटिन्यूशन चलता रहता कंटिन्यू, हाथ नहीं रोकते, निकाल के रखी इधर से दूसरी डल जाती। अच्छा,
अकेले करते हैं दादा आप? अकेले। मैंने स्टार्टिंग जो पानीपुरी की उससे की थी, पानीपुरी का भी फ्लेवर अपने आप बढ़िया था। अपन उसमें जो है औषधि पदार्थ डालते थे, बाल हर्ड है, लेंडी पीपल है, इससे क्या है कि आपका डाइजेशन में जो समस्या है वो ठीक होती थी, मगर अब वो मेरे को वो कुछ नहीं जमा, इसलिए मैंने आलू की खेती शुरू की। रात तक ऐसे ही चलता रहता है? हाँ। जैसे ही जैसे ग्राहक आ जाए। हाँ, वहाँ संडे थोड़ा सा 5-6 बजे बाद थोड़ी चलेगी, नहीं तो मैं 4-4:30 बजे आता हूँ, 5 बजे बाद चलूँगी। कितने के अंकल? 30-30। अभी बीच में आ रहा था तो अंकल मिल ही नहीं रहे थे। हाँ, जरा पारिवारिक प्रोग्राम भी चल रहा था, मैं आते ही ठंडे ठंडे हूँ। आपको क्या नंबर रहेगा ना, नंबर से आप कंफर्म कर लो कि हाँ आएगी नहीं आना है। ये और भी पीछे रहते हैं निकल। तो साथियों ये देखिए काका की बढ़िया स्पेशल आलू की कचौरी। हमारे अग्रवाल काका 10 से 12 साल होगा इनको देते हुए और आज भी दे रहे हैं। और मॉर्निंग में आप देखिए अंकल आंटी चाय की दुकान लगाते हैं ये सिंधी कॉलोनी पे, जो देशमुख जो द्वार है वहीं पे। और 3 बजे बाद ये काका फिर साइकिल से सामान लेके आते हैं और पूरी कचौरी यहीं पर बनाते हैं, गर्मा गर्म आपको देते हैं। हर आधे घंटे में 15 मिनट में निकालते रहेंगे। तो मिलके ही मज़ा आ गया दादा से, तो बेहतरीन पर्सन है, बेहतरीन। मतलब जिनको बिल्कुल सादगी वाली कचौरी खानी है उनके लिए बहुत बढ़िया है। आलू का मसाला सिर्फ हल्का सा मिर्ची का ठेचा रहता है उसमें, बहुत बेहतरीन है। तो आप लोग भी आइएगा, विजिट करिएगा, हमारे महेश काका से मिलके जाइएगा। वो बहुत ही बढ़िया बातें करते हैं। ये सिंधी कॉलोनी में खातीवाला टैंक पे महाकाल मंदिर जो ये चौराया है उसके ठीक बगल में लगाते हैं। इसके एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो साथियों आएँ, विजिट करें, फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ और कचौरियाँ पैक करा के ज़रूर लेके जाएँ। तो साथियों मिलते हैं आमचंद दौर के अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कुछ ना कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट हम लोगों को बताइए रहेगा, आपके गली में, आपके कॉलोनी में, कई जगह कई सारे लोग घूम रहे हैं, ताकि हम लोगों उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो साथियों एक दूसरे का ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।